हेलो एंड वेलकम है दोस्तों, आप सब लोगों का टेक एमएम पर एक बार फिर से। तो दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी वायरलेस हैंड फ्री के बारे में जो मैंने खरीदी सिर्फ 22 रुपीज़ की, वो भी पेटीएम से। हम भी इस तरह के ऑफर्स देखते रहते हैं पर पता नहीं वो चीज़ लेनी चाहिए कि नहीं। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो चीज़ कैसी होती है। तो कुछ देर पहले मैं यूं ही पेटीएम पर थोड़ा सा नेट सर्फ कर रहा था, टहल रहा था, यूं ही देख रहा था कुछ, तभी मेरी नज़र गई यहाँ पर 24 रुपीज़ की वायरलेस हैंड फ्री। मैंने सोचा एक बार खोल के देखते हैं कि कैसा है। यहाँ पर जब मैंने देखा तो 24 रुपीज़ का यहाँ पर आ रहा था इसका जो प्राइस है, और जब मैंने पिक्चर्स वगैरह देखी तो मुझे ठीक ही लगी, ऑलमोस्ट जैसे एप्पल की हैंड फ्री आती है कुछ कुछ उस टाइप की थी। और खैर ये जल्दी ही जो है डिलीवर करने का वादा भी कर रहे थे, और इस पर 2 रुपीज़ का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट था, वाइट और ब्लैक दो कलर थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको एक बार टेस्ट किया जाए यार। 22 रुपीज़ की जो हैंड फ्री है, 24 की थी, 2 रुपीज़ का मुझे एक्स्ट्रा इस पर कैशबैक भी मिला, तो मुझको पड़ी है 22 रुपीज़ की। तो खैर और डिलीवरी चार्जेस है वो लगे 75 रुपीज़, यानी कि मुझे जो पड़ गई 100 रुपीज़ के आसपास तकरीबन, आप मान सकते हैं थोड़ा सा कम 100 से। पर अगर आप कोई भी सामान पेटीएम से मंगा रहे हैं तो वो हो सकता है वो मंगाएं एक्स्ट्रा, तो आपका डिलीवरी शायद उस पर वो हो जाए। तो दोस्तों अगर हम डिलीवरी चार्जेस को हटा दें तो उसका जो प्राइस मुझे पड़ा है वो 22 रुपीज़ पड़ा है, और 3 से 4 दिन में ये डिलीवर हो चुकी है, तो उस हिसाब से तो खैर ठीक ही है। और पैकिंग में आपको दिखा दूं, सिंपल पैकिंग आती है जैसे कि पेटीएम से आप सामान खरीदते हैं तो आता है थैंक यू वेरी मच पेटीएम से सामान खरीदने के लिए, ऐसा लिखा होता है पैकेट के ऊपर, पीछे की तरफ आपका एड्रेस होता है और नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है। चलिए मैं आपको जल्दी से पैकेट दिखा देता हूँ कि कुछ किस तरह का पैकेट आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेटीएम मॉल के थ्रू यहाँ पर इसकी ब्रांडिंग वगैरह की गई है, उसके थ्रू शायद आई है। और चलिए जल्दी से ओपन करते हैं इसको और देखते हैं कि इसकी पैकिंग वगैरह कैसी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है देखना इसकी सस्ती चीज़ पर मतलब किस तरह की होगी। तो यहाँ पे डब्बा आप देख सकते हो यार, बिल्कुल अजीबोगरीब सा डब्बा लग रहा है, जैसे वो मिठाई के डब्बे नहीं आते जिसमें 4 लड्डू मिलते हैं शगुन के, बिल्कुल ऐसे डब्बा मुझे लग रहा है ये कुछ इस तरह का है। चलिए जल्दी से खोल के देखते हैं और निकालते हैं इसको बाहर, जरा देखते हैं क्या पैकिंग वैकिंग है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स एड्स हेडसेट लिखा हुआ है, ब्लूटूथ वर्जन 4.1, माई गॉड 4.1 वर्जन के साथ ही आती है, ठीक है। पर पैकिंग बिल्कुल सिंपल सी है यार, गत्ते का डब्बा एक नॉर्मल सा जिसको ऐसे पैक कर दिया गया, पीछे जो है प्राइसिंग वगैरह 400 कुछ लिखी गई है, और कुछ ज़्यादा कुछ यहाँ पे स्पेसिफिकेशन वगैरह है नहीं, मेड इन चाइना है, चाइना वाले से धमाकेदार काम कर सकते हैं। और चलिए ओपन करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या निकलता है। मुझे लगा लड्डू ना निकलाएं कहीं, ऐसा लड्डू तो नहीं है गैर, पर यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ नहीं है, बस ये हैंड फ्री केबल हमें मिली है साथ में। चलिए इसको ओपन करते हैं और ये जो चूरन की पुड़िया आई है ना इसको खोलते हैं और इसमें से अपनी हैंड फ्री को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ से ओपन कर लिया हमने इसको जल्दी से और इसको बाहर निकाल लेते हैं हम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी सी डाटा केबल भी हमें साथ में मिली है इसे चार्ज करने के लिए। तो चलिए इसको मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ, डिसेंट क्वालिटी की है, एटलीस्ट हम ये वाली केबल लेने जाते हैं तो आई थिंक 20-30 रुपीज़ तो कम से कम या फिर उससे ज़्यादा की मिलती होगी, तो खैर उतना तो पैसा वसूल हो ही गया। उसके अलावा ये रही हमारी जो हैंड फ्री है, वायरलेस हैंड फ्री, देखने में तो यार बिल्ड क्वालिटी तो ठीक ठीक सी लग रही है, एप्पल की भी कुछ इस टाइप की आती है अगर आपने देखी होगी तो, उसमें खैर ये वायरिंग नहीं रहती है। यहाँ पर लेफ्ट लिखा हुआ है और दूसरी बारे में राइट लिखा हुआ है, जाली भी लगी है अंदर की तरफ, तो क्वालिटी तो डिसेंट है, वाइट कलर इस पर काफ़ी खिल रहा है, ऐसा नहीं कि चीप वाइट लग रहा है, क्वालिटी तो खैर डिसेंट लग रही है। लेफ्ट एंड राइट छोटी छोटी चीज़ों का भी यहाँ पे ध्यान रखा गया है। तो चलिए अब गौर फरमाते हैं बटन्स की तरफ। तो यहाँ पे बटन्स की क्वालिटी आप देख सकते हो, प्लस और माइनस का बटन भी मिलता है, ऑन ऑफ का बटन भी मिलता है, माय गॉड कितनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं इसके अंदर। तो खैर मुझे उम्मीद नहीं है कि ये चलेंगे, पर ये क्लिकेबल हैं यानी कि क्लिक काम कर रहे हैं, आई थिंक इसमें माइनस प्लस हो सकता है वॉल्यूम। और यहाँ पे चार्जिंग के लिए पोर्ट आपको मिल जाता है, उसके अलावा वायरिंग की यहाँ पे थोड़ी सी ना क्वालिटी मुझे नॉर्मल सी लग रही है, ऐसा लग रहा है जल्दी सी टूट के निकल के गिर जाएगी, इससे ज़्यादा उम्मीद थी भी नहीं वैसे मेरे को इससे, पर ठीक है फिर भी यहाँ पे माइक भी दिया हुआ है, डेडिकेटेड माइक भी है, माय गॉड कितना कुछ मिल गया हमें। और यहाँ पे ठीक है ऑल ओवर क्वालिटी तो ठीक ही लग रही है मेरे को, ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते जब तक साउंड ना सुन लूँ मैं, साउंड सुन के पता चलेगा। चलिए जल्दी से ऑन करते हैं, बीच वाले बटन को मैंने पुश कर दिया, लाइटिंग आपको यहाँ पे दिख रही होगी, रेड और ब्लू कलर की लाइटिंग आ रही है, इसका मतलब ये कनेक्ट होने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर मैंने जल्दी से कनेक्ट कर दिया है, S6 लिखा हुआ है इसको, और कनेक्ट तो खैर बहुत ईजिली हो गई है। और दोस्तों अब आई है मुद्दे की बात, जैसे मैंने इस पर वीडियो चालू किया है अपना, तो यहाँ पर पहली चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, वाच तो खैर डिसेंट आ रही है, क्लियर आ रही है, नो प्रॉब्लम, पर हो क्या रहा है कि वॉल्यूम बहुत कम आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हैंड फ्री पर जैसे 50% पे वॉल्यूम सुन रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी तो इसमें म्यूजिक नहीं था, पर अब जस्ट मैंने जब म्यूजिक पे इस पर टर्न किया है तो सीधा सीधा मुझे पता चल रहा है कि म्यूजिक जो है, आवाज़ जो है 50% कट है, पूरी तरीके से 50% कट है, 50% पे आवाज़ है, उससे ज़्यादा आवाज़ नहीं बढ़ रही है, बेस बिल्कुल भी नहीं है, बेस बिल्कुल ना के बराबर है, यानी कि 100% में से अगर मैं पॉइंट नंबर दूँ तो 10% बेस है बस इसके अंदर, और थोड़ा सा बस एडजस्टमेंट किया गया है खाली। काम कर रही है, ऑल ओवर ठीक ठाक काम कर रही है, पर सिर्फ 50% वॉल्यूम है, इससे ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है और बेस बिल्कुल नहीं आ रहा है। म्यूज़िक का मज़ा आप नहीं लेने वाले हैं इसके अंदर, अगर मैं आप सोच रहे हैं कि म्यूज़िक के लिए ले रहे हैं इसको या इस तरह की आइटम्स, आप और भी देखते रहते होंगे नेट पर। तो क्या बिल्ड क्वालिटी डिसेंट लगी मेरे को, इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है, पर जो साउंड क्वालिटी है वो जस्ट साउंड काफ़ी ज़्यादा कम है, दबा हुआ लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि साउंड काफ़ी दबा दबा था इसका आ रहा है।
तो अगर जो लोग हैं जिनको थोड़ा सा बात बात करने के लिए चाहिए है, या कभी कभी यूज एंड थ्रो वाला काम है, थोड़ा सा ज़्यादा म्यूजिक को नहीं इंजॉय करना है इतना ज़्यादा, कभी कभार थोड़ा बहुत म्यूजिक चल जाए, तो ऐसा अगर आपको वर्क है थोड़ा सा तब आप इसे कंसीडर कर सकते हैं, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप म्यूजिक के लिए इसको कंसीडर करना चाहिए। फिर भी यार 22 रुपीज़ नॉट अ बैड डील, ठीक है यार 22 रुपये में तो क्या यार मिलेगा यार, जूस का गिलास भी आजकल 30 रुपये का आता है, तो क्या नॉर्मली एक हैंड फ्री भी हम लेते हैं तो 100-200 से कम कहाँ आती है, तो उस रेट के हिसाब से तो ठीक है। खैर डील अभी चल रही है, आप जाके देख सकते हैं, पर ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा। ओके 10 में से अगर मुझे नंबर देने हो तो मैं दूंगा इसको कितने, ओनली 3, 10 में से 3 नंबर्स, आप तो पास भी नहीं हुए, फेल हो गए। तो खैर कोई बात नहीं दोस्तों, अगर आप चाहें तो एक बार इसे ट्राई कर सकते हैं। तो खैर दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो को हम यहीं पे एक समाप्त करते हैं, तो आज की वीडियो खैर यहीं तक थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, इस तरह की और वीडियोज के लिए शेयर करें, और दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी सुझाव हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो फिर जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।